एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय फरार इनामी सातेठा को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर सातेठा का चेहरा बेनकाब किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आयोजित की गई प्रेस वार्ता में एक ऐसे ठग का चेहरा पुलिस अधीक्षक की ओर से मीडिया के सामने बेनकाब किया गया जो कि अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का सरगना है। स्वाट टीम बदनार पुलिस की गिरफ्त में एसपी के पीछे खड़ा यही वह ठग है जिसका नाम राजेश यादव निवासी ज्ञानपुर थाना आरा हुए। ये बीते कई सालों से पुलिस से आंख में चूड़ी का खेल खेल रहा था जो आखिरकार स्वाट टीम बदनार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आवास विकास कॉलोनी की रहने वाली नीलम दुबे पत्नी प्रकाश चंद दुबे द्वारा थाना कोतवाली में 2020 में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। नीलम दुबे से फ्रॉड करके रुपए जेवर व अन्य सामान को ठग लिया था और अपने परिवार के साथ फरार हो गया था जिसके बाद से लगातार पुलिस इसे ढूंढ रही थी और आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय ने क्या कुछ बताया है ये भी जरा आप सुनिए। ये सातेठ ठग है जो कि यहाँ पर एक महिला नीलम दुबे एक सारे गहने ये धोखाधड़ी करके हड़प लिया। इसके अतिरिक्त ये आगरा में इसने जो है इसी तरह धोखाधड़ी कार्रवाई की थी। फतेहगढ़ में भी इसके विरुद्ध मथुरा में कई जनपदों में ये इसने जो है लोगों को ठगने का काम किया था। पिछले 2 वर्षों से फरार चल रहा था। इसका पूरा परिवार शामिल था ठगी के व्यवसाय में और ये 20,000 रुपये का इस परिवार भी घोषित था और ये रहने वाला बेसिकली राजेश यादव ये एलाऊ क्षेत्र का है। तो मकरूरी में इसमें आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया गया था, इस पर रिवार्ड भी घोषित था। आज हमारी साइबर स्क्वाड की टीम और लोकल एसएचओ ने इसको अरेस्ट किया है, इसको आज जेल भेजा जा रहा है और इससे आगे भी पूछताछ रिमांड पर लेकर हम लोग करेंगे। इसके द्वारा जो सामान बरामद अभी तो नहीं पूछताछ इससे हुई है लेकिन चूँकि अभी समय कम था और हमें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना है, इसके बाद इसको हम लोग रिमांड पर लेंगे और रिमांड लेकर फिर आगे करेंगे।